अस्सलाम वालेकुम साथियों। अमूमन साथी कहते हैं कि रात का आसमान दिखाएं, तो फ़ोन ही लाए हैं अपना। ऐसा फ़ोन प्रॉपर या कैमरा होना चाहिए जो कि नाइट को ठीक से शूट कर सके। इसको अपनी लाइट एडजस्ट करने में भी वक्त लगता है। तारे थोड़े बहुत शायद आपको दिखाई दें, ये देखें, लेकिन बेशुमार सितारे हैं इस जगह पे, आपको नहीं दिखाई देंगे। आज वैसे बादल भी हैं, इतना शफाफ नहीं है। और वो देखें ऊपर जो आपको दिखाई दे रहा है बिल्कुल चांद के ऊपर, वो जुपिटर है। जितना ब्राइट जुपिटर इस वक्त दिखाई दे रहा है, इतना पहले कभी नहीं दिखाई दिया। आजकल काफ़ी इसका शोहरा है। और आप देख रहे हैं कि बादल हैं थोड़े बहुत आसमान पे, ये देखें। अब साथी कहते हैं डर तो नहीं लगता, तो पता नहीं कि ये ट्री आपको दिख रहा है या नहीं, ये देखें, दिखेगा। तो हर चीज़ जो है वो बहुत साफ दिखाई देती है रात के वक्त भी। इतनी रोशनी है कि हम बुक पढ़ सकते हैं। अब ऐसे आपको नहीं पता लगेगा। और ये विस्लिंग डक्स हैं जो यहाँ रात गुजारती हैं, हमने पहले भी बताया था। आँख देख सकती है बिल्कुल साफ तौर पे, कितार बना के परली तरफ को जा रही हैं, लेकिन आपको इसमें नहीं दिखाई देंगी। और जहाँ तक रोशनी है, ये देखें हमारा हाथ तो चांदनी है ये, तो आप देख लें कि किताब पढ़ी जाएगी कि नहीं। तो ये एक आम फ़ोन से आईफोन है जो हमारे हाथ में है इस वक्त। हमारा रिंग जो है वो भी दिखाई दे रहा है, हमारे हाथ की लकीरें भी दिखाई दे रही हैं, और दरख्त भी नज़र आ रहा है, देखें बिल्कुल साफ तौर पर। और उसका शेडो भी बिल्कुल डार्क नीचे जो है वो दिखाई दे रहा है, बहुत ही ब्राइट हर चीज़। सितारे और चांद, अब इस वक्त जो है इसके आगे बादल नहीं है, इसकी वजह से ये ब्लर कर रहा है। जिस वक्त इसके आगे बादल होते हैं उस वक्त ये है कि ये बिल्कुल साफ तौर पे दिखाई देता है, उसकी चमक जो है वो धुंधलाती नहीं है। तो आसमान ये देखें, बहुत खूबसूरत। और सारा जो ओराइजन है वो इस तरफ होता है, मिल्की वे पूरा इधर। तो आसमान आप, हमने जैसा कि कहा कि साफ नहीं है आज, इस वजह से नहीं दिखाई देगा। ये जुपिटर है ऊपर, और ये भी बादलों के इस वक्त पीछे है। तो थोड़ी सी रात आपको दिखा दी, इंशाल्लाह किसी वक्त प्रॉपर कैमरे से बनाएंगे और फिर आपको दिखा सकेंगे। तो सोते हैं अब, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।